रूलर जो है ना बिल्कुल घिस गया हुआ, ख़राब हो गया इसके जो है ना। हम ये रूलर निकाल के ये वाला जो है ना रूलर नया रूलर लगाएंगे, और ये हमने देखना है कि ये किस तरह। ये अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद असलम, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ रिपेयरिंग एक्सपर्ट। ये देखें जी, मशीन मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आई है। इसमें फॉल्ट ये है कि ये मोटर वाली मशीन है, और ये जब स्पीड पर चलती है तो ये धागा जो है ना तोड़ देती है। उसमें जो है ना ये बहुत टेक्निकल सा फॉल्ट है। ये कोई अगर मैकेनिक भाई भी है तो वो भी देख सकता है कि ये क्या मसला होता है। इसमें नीचे इधर वगैरह जो है ना कोई मसला नहीं है। इसका मसला ये देखें, ये इसका जो है ना कुंडी का मसला है। ये देखें, इसका कुंडी का जो है ना रूलर, जिसको गोली भी कहते हैं, रूलर भी कहते हैं, अंदर जो प्लास्टिक का लगा होता है वो देखें, ये जो है ना इसकी वजह से ये देखें इसमें काफ़ी चाल आ गई है। रूलर इसका ख़राब हो गया, और इसका रूलर हमने जो है ना चेंज करके दोबारा आपको सिलाई लगा के चेक कराएंगे कि ये देखें जी, बाद में आपको पता चल जाएगा ये किस तरह जो है ना सही चलती है। ये देखें, इस वजह से जो ना अगर मोटर वाली मशीन पे इस तरह का मसला आता है कि ये देखें इसका रूलर ख़राब हो गया, इसको हमने चेंज करना है, और किस तरह चेंज करना है। इधर से हमने ये कुंडी खोल लेनी है, ये देखें जी, इसका रूलर जो है ना बिल्कुल घिस गया हुआ, ख़राब हो गया। इसके जो है ना हम ये रूलर निकाल के ये वाला जो है ना रूलर नया रूलर लगाएंगे, और ये हमने देखना है कि ये किस तरह। ये पहले भी जो है ना तकरीबन इसका जो है ना पहला नहीं है, इसके पहले भी जो है ना चेंज हुआ हुआ है। हम इसका दोबारा चेंज करके देखते हैं किस तरह का होता है। ये देखें जी, ये पहले वाला हम रूलर निकालना है, इसको जो है ना इस तरह करके जो है ना, ये देखें जी ऊपर से हमने इसको कर लिया, और ये देखें जी इसको किसी चीज़ से जो है ना हमने चोर लगा के इसको बाहर निकाल देना है। ये देखें जी, ये इसका पहला रूलर जो है ना, ये देखें जी, ये हमने जो है ना निकाल लिया इसका पहला रूलर, ये ख़राब हो गया था। अब हम इसका जो है ना नया रूलर लगाएंगे, ये वाला रूलर जो है ना हमने इसका अब जो है ना लगाना है, ये वाला रूलर, ठीक है। ये देखें जी, ये इसमें टाइट है, इसमें ये लग नहीं रहा। इसमें हमने थोड़े ही सी जो है ना को गोला रहती से जो ना इसके वो सही कर लेना, ताकि इसमें जो ना रूलर आसानी से लग सके। इस तरह हमने इसमें गोला रहती चलानी है, और ये चेक कर लेना है, ये अभी भी थोड़ा सा टाइट है। ये देखें जी, ये अब बिल्कुल जो है ना इसमें हो गया। अब इसकी झंड करनी है, वो हमने किस तरह करनी है, ये मैंने ये देखें, ये एक सुंबा सा बनाया हुआ है, ये इसके ऊपर रख के जो है ना हम इसको इधर इस तरह रख लेंगे, और ये इधर इसकी जो है ना झंड कर देंगे। ये बिल्कुल आपने इसको साइडों से इस तरह बारीक करके अच्छे तरीके से इस तरह जान कर लेना है, और ये देखें, ये आपने ख्याल रखना है कि ये बीच में टाइट ना हो जाए। अगर ये बीच में टाइट हो जाएगा तो फिर जो है ना ये आपका दोबारा जो है ना ख़राब हो जाएगा। ये देखें जी, हमने नया रूलर इसमें लगा दिया, अब इसको जो है ना हम लगा के दोबारा, ये देखें जी, ये इसमें ये देखें बहुत ज़्यादा इधर पहले लूज था, अभी बिल्कुल जो है ना सही हो गया। नया रूलर लगाया, पहला रूलर जो है ना इसमें बहुत ख़राब था, उस वजह से ये इधर हिलते थे, और मोटर की स्पीड से जो है ना ये बार बार धागा तोड़ रही थी। अब हम इसका सामान लगा के इसकी सिलाई वगैरह जो है ना चेक करते। ये देखें जी, ये पहले लोकल सा पैर लगा हुआ है, ये मैं चेंज करने लगा हूँ। ये यानी कि जो अच्छा पैर है वो देखें, ये देखें इसकी वो कितना अच्छा मटीरियल लगा हुआ है, ये बहुत बारीक सा लगा हुआ, इस पर सुई लगे ये टूट भी जाता, और ये सिलाई भी सही नहीं लगाता। ये मैं पैर चेंज करने लगा हूँ, ये देखें
ये मैंने नया पैर लगाया, ये देखें इसकी सेटिंग में जो है ना मसला है, ये देखें एक साइड पे सुई लग रही है। अगर आपने नया पैर चेंज करना है तो इसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। देखें ये सुई इस तरह लग रही है, अगर आपके भी इस तरह लग रही होगी तो इसकी आपने सेटिंग करनी है। इधर जो है ना इसको इधर से करके इधर से आपने थोड़ी सी चोट लगानी है, किस तरह करके आपने चोट लगानी है। ये देखें जी एक मैंने ये औजार बनाया हुआ है, उसके साथ भी जो है ना मैं इसको अंदर को जो है ना ये देखें मैं कर लेता हूँ। ये आप देखें इस तरह जो है ना तकरीबन, ये देखें तकरीबन दरमियान में जो है ना ये सेंटर में चल रहा है। इस तरह पैर अब अगर आप चेंज करें तो साइड में लगा रहा हो तो ये गज़ वगैरह को जो है ना इधर से चोट लगा के इधर इधर कर सकते हैं, और अगर इस साइड को इसका जो साइड पे लग रहा हो तो फिर इधर से इसको वाट दे के भी आप कर सकते हैं। ये वाली चीज़ें सारी मैंने कर ली है, अब इसका धागा डाल के इसकी सिलाई चेक करते हैं। ये देखें जी इसका हमने धागा वगैरह डाल लिया है, इसकी जो है ना ये वाली कुंडी वगैरह हमने उसका रूलर वगैरह चेंज की है, इसका पैर ख़राब था पैर भी हमने चेंज किया है, और ये वाली देखें जी ये इसकी हम सिलाई लगा रहे हैं। ये देखें जी बिल्कुल जो है ना ये देखें कितनी प्यारी साफ सिलाई इसकी हो गई है। ये जो है ना धागा तोड़ रही थी और वो जो है ना मसला कर रही थी, और ये जो है ना ये देखें अब इसकी बिल्कुल ना साफ सिलाई हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।